दिया गया है इसमें आपको 70% कपड़े लोड रखिएगा, ठीक है। 70% मतलब 30% ऊपर थोड़ा सा खाली छोड़ दीजिएगा। अच्छा, कपड़ा जब रखिएगा तो, ठीक है। ओके। ये सब प्रोग्राम में अलग अलग आपको वेट बताएगा। हाँ। अगर 3.5 kg बताएगा। हाँ। तो यहाँ तक कपड़े रखने हैं। कहाँ बताएगा लिखा हुआ? यहाँ पे 3.5 kg सब प्रोग्राम में अलग अलग वेट बताएगा। ओके। 3 kg या 3.5 kg बोलेगा तो यहाँ तक आपको हाफ लोड डालने हैं। ओके। और पूरा 8 kg बोलेगा तो यहाँ तक डालने हैं कपड़े। अच्छा, ठीक है। यहाँ से पावर ऑफ ऑन करने के लिए दिया गया है ये वाला। हाँ। यहाँ से ऑन करेंगे हम। और ये दिया गया है टोटल ऑटोमेटिक प्रोग्राम, सब में आपको धोएगा, खा लेगा और सुखा के आपको दे देगा सब प्रोग्राम में, ठीक है। हाँ। यहाँ पे फर्स्ट वाला जो दिया गया है ये मिक्स वर्ल्ड दिया गया है। मिक्स वर्ल्ड में देखिएगा तो आपको बताया गया यहाँ पे 1 घंटा 9 मिनट लेगा। दाबेंगे तो ऑफ हो जाएगा ये। जी, फिर ये ऑन किए जी, ये प्रोग्राम को मैं घुमाने का है। हाँ। अभी ये कॉटन चल रहा है। Okay. अभी मिक्स ऑयल है, ठीक है। ओके। मिक्स ऑयल पे जैसे अलग अलग प्रोग्राम पे लाइएगा तो यहाँ पे आपको फर्स्ट में आपको टाइमिंग बताएगा 1 घंटा 9 मिनट लेगा। hmm. और 3.5 kg आपको वेट डालने हैं कपड़े का। अच्छा। और 1000 RPM पे ये रोटेट करके सुखाता है। अच्छा। ये फुल RPM इसका दिया गया है 1400 RPM। हाँ। रोटेट पर मिनट होता है, 1 मिनट में 1400 बार घूम के उसको सुखाता है कपड़े को, ठीक है। इसमें आपको मिक्स कपड़े डालने, जैसे शॉर्ट पैंट, गंजी, साड़ी वगैरह सब कुछ मिक्स है, वो वाले को मिक्स ऑयल में डालने। उसके बाद में यहाँ पे मिक्स ऑयल प्लस है। मिक्स ऑयल में क्या क्या डालने हैं? मिक्स कपड़े, नॉर्मल जो होते हैं मिक्स कपड़े डेली बेसिस वाले। अच्छा। वो आप डाल सकते हैं, ठीक है। और मतलब मिक्स पैंट शर्ट अंडरवियर गंजी उंजी सब डाल सकते हैं। सब कुछ डाल सकते हैं मिक्स कर। हाँ। और जो एक आता है हेवी गंदे वाले जिसमें धूल मिट्टी ज़्यादा रहता है। हाँ। उस टाइप का गंदा रहे तो मिक्स ऑयल प्लस में डाल दीजिएगा, ठीक है। इसमें प्री वॉश सिलेक्ट होता है पहले से, प्री वॉश क्या होता है हम बताएंगे आपको। ओके। उसके बाद में आएगा यहाँ पे सिंथेटिक या डेली। हाँ। ठीक है। सिंथेटिक आपका कपड़ा आता है वो आप धो सकते हैं, स्पेशल कपड़े आपके पास है तो। यहाँ पे 1 घंटा 53 मिनट लेगा, ये भी 3.5 kg आपको वेट डालने हैं और 800 RPM में उसको सुखाएगा। उसके बाद में दे रहा है कॉटन जी। उसके बाद में आएगा यहाँ पे कॉटन नॉर्मल, ठीक है। अच्छा। ये कॉटन कपड़े के लिए दिया गया है। हाँ। जो सूती का कपड़ा होता है स्पेशल, उसमें सब मिक्स नहीं है, सिंथेटिक वगैरह मिक्स नहीं है, सिर्फ सूती का कपड़ा है। सूती कपड़ा तो वो कपड़े हम इसमें धोएंगे नॉर्मल वाले को। अच्छा। इसमें आपको टाइमिंग देगा 2 घंटा 38 मिनट। ये टाइमिंग कम करने के लिए भी है, आप कम भी कर सकते हैं इसका टाइमिंग, वो हम बताएंगे। इधर ऑप्शन में दिया जाता है वो 2 घंटा 38 मिनट लेगा। इसमें आपको 8 kg कपड़े डालने हैं, पूरा फुल लोड यहाँ तक डाल देने हैं कपड़े। उसके बाद में कॉटन इको प्लस आएगा, ये भी ज़्यादा गंदे कपड़े के लिए है। इसमें तो सिर्फ टेम्परेचर का अंतर रहता है, जैसे कॉटन पे लगाएंगे तो देखेंगे कोल्ड से लेकर 95 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें 60 और 40 रहेगा, ना इसमें कोल्ड धुआ सकता है और ना ज़्यादा हाई धुआ सकता है टेम्परेचर से, ठीक है। प्लस में इको मूड होता है ये, जैसे गर्मी के दिन में टंकी में ऑलरेडी 40 डिग्री सेल्सियस पानी रह जाता है, ठीक है। तो आएगा तो इसके अंदर सेंस हो जाएगा, जैसे हम यहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस लगा कर स्टार्ट कर देंगे यहाँ से, तो ये क्या करेगा, सेंस करेगा पानी को, ठीक है, कितना डिग्री तक पहले से गर्म है। और 40 डिग्री ऑलरेडी आएगा तो इसमें हीटर नहीं चलेगा, ठीक है। अच्छा। और इसमें थोड़ा टाइमिंग आपका कम हो जाएगा ऑटोमेटिक, ये वाला प्रोग्राम है, ठीक है। इसमें टाइमिंग कम बेस होते रहेगा। ये किस चीज़ के लिए? कॉटन इको प्लस। ये किस चीज़ के लिए? जनरली कॉटन तो समझिए, नॉर्मल कॉटन जो कपड़े हुए वो डाल दिए। और ज़्यादा हेवी, एक तरह से ज़्यादा अगर हेवी गंदे भी है तो आप इसमें डाल सकते हैं कॉटन, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे दिया गया है स्पिन ड्राई या ड्रेन, सिर्फ मशीन में कपड़ा सुखाना है। स्पिन मतलब होता है सुखाना, ठीक है। बाहर हाँ से धो लिया, खान भी लिया, गीला कपड़ा है कोई, मशीन में सुखाना चाहते हैं, वो वाला स्पिन यहाँ पर लगेगा और 17 मिनट लेगा उसको। यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा तो सुखा देगा। इसमें भी आपको 8 kg रखना है। यहाँ पे दिया गया है टब को क्लीन करने के लिए, ये क्लीनिंग के लिए आता है, ठीक है। ये 30 से 40 बार जब कपड़ा धोया जाता है मशीन में तो एक बार मशीन क्लीन होता है केमिकल से, पाउडर से, वो पाउडर हम आपको बताएंगे। उसके बाद में यहाँ पर देता है एक्सप्रेस वॉश, ये एक्सप्रेस जल्दीबाजी के लिए दिया गया है, ठीक है। जल्दीबाजी में मतलब कोई कपड़ा धोना है आपके पास, जैसे 2-4 कपड़े हैं 1 घंटा का पहना हुआ है, आप जल्दीबाजी में उसको धोना चाहते हैं तो ये एक्सप्रेस वॉश यूज करना है आपको, ठीक है। ड्राई भी कर देगा? हाँ, ये आधा घंटा समय लेगा। अच्छा। आधा घंटा में धोएगा, खा ले और सुखा के आपको दे देगा। इसमें सबसे कम वेट बता रहा है आपको 2 kg, ठीक है। हाँ। यानी आधा से भी आधा कपड़े इसमें यूज करने हैं। उसके बाद में यहाँ पर क्रेडल वॉश हो जाएगा। क्रेडल वॉश स्पेशल प्रोग्राम देता है, जैसे जड़ी वाला, कढ़ाई वाला जो साड़ी होता है, कुर्ता होता है जिसमें गुड़िया लगा रहता है, उस टाइप का कपड़ा आपको इसमें धोना है, ठीक है। ये वाले सब प्रोग्राम में क्या करेगा, ऐसे फुल टर्निंग करता है 360, फिर इधर से करेगा,
लेकिन इसमें क्या करेगा, क्रेडल होता है बच्चों को झूला, ऐसे 50-50 करके ऐसे ऐसे झुलाएगा उसको और झुला, हाँ झुला के उसको धोएगा। उसके बाद में बल्कि या बेडिंग दिया गया है, बेडशीट वगैरह आपको है धोने, वो आप धो सकते हैं। इसके वेट के हिसाब से सब रखिएगा आप, ठीक है। अगर आपको वो 8 kg बोल रहा है तो पूरा भर देंगे कपड़ा यहाँ तक, और आपको 3.5 kg या 3 kg बोल रहे हैं तो आधा, और उससे कम बोला जा रहा है तो आधा से भी आधा आपको कर देने हैं, ठीक है। अच्छा, बट जो 8 kg बोलेगा, लेकिन 8 kg आपको नहीं पूर रहा है, 2 kg हो रहा है, तो काम करेगा? हाँ, जरूर करेगा। उसके बाद में यहाँ पे एंटी एलर्जन दिया गया है, जैसे घर में कोई मरीज है उनका कपड़ा वगैरह है तो आप इसमें धो सकते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे उलन दिया गया है, ऊनी प्रोग्राम, ऊनी कपड़े के लिए, ठीक है, ये वाला। इसमें आपको वेट कम बताएगा, या 54 मिनट लेगा, 2 kg इसे में इधर रखना है, क्योंकि वो पानी ज़्यादा सोखता है तो भारी हो जाता है, इसलिए 2 kg वेट। उसके बाद में यहाँ पे बेबी वेयर दिया गया है, बच्चों के कपड़े स्पेशल है, उसमें बड़ा कपड़ा मिक्स नहीं है तो आप वो स्पेशल कपड़े डाल सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर रिंस और स्पिन दिया गया है, खंगालना और सुखाना, ठीक है, दोनों है आपके पास। मतलब खंगालना, रिंस मतलब होता है खंगालना, स्पिन मतलब सुखाना होता है, ठीक है। आप बाहर हाथ से धो लिए हैं कोई कपड़ा है जो खंगालना और सुखाना चाहते हैं मशीन में, सिर्फ धोना नहीं चाहते, तो वो वाला ये वाला प्रोग्राम लगाइएगा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। खंगालना और धोना मतलब खंगालना, खंगालना सुखाना, हाँ। मतलब कपड़ा धो लिए हैं, हाँ, हाथ से धो लिए हैं, मशीन में सिर्फ खंगालना और सुखाना चाहते हैं, तो हम ये वाला प्रोग्राम यूज करेंगे। स्पिन ड्राई का मतलब हुआ आपको सुखाना से वाला, हाँ, और सिर्फ कपड़ा अगर पानी से धोना है या फिर हमको सुखाना है, दोनों करना है तब वो, ये हाँ, ठीक है। अब यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है इधर, ठीक है। जैसे यहाँ तो स्टार्ट बटन दिया गया है, पॉज बटन दिया गया है, प्रोग्राम लगा के हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ दिया गया है स्पिन का स्पीड, जैसे सुखाने का स्पीड यहाँ से कर सकते हैं कम बेस, ठीक है। जैसे ऑटोमेटिक तो सब में सेट है अलग अलग, किसी में 1000 है, किसी में 800 है, किसी में 400 है, ऐसे ऑटोमेटिक सब में सेट है। लेकिन उसको कम बेस करना चाहते हैं आप, उसे सहमत नहीं लग रहा है आपको, बहुत कम सुखा रहा है, थोड़ा और ज़्यादा सुखाना चाहिए, तो आप अपना अपने तरीक़ा से स्पिन का स्पीड बढ़ा घटा सकते हैं यहाँ से, ठीक है। 1200 RPM हो गया, 1400 सबसे लास्ट हाईएस्ट हो गया, उसके बाद में जीरो हो गया, मतलब ज़्यादा सुखाएगा अगर 1400 बहुत बहुत स्पीड में नाचेगा। तो ये आपको पतले कपड़े में यूज नहीं करने हैं, पतला कपड़ा जो होगा खींचा जाएगा, पतले कपड़े में यूज नहीं करना है, क्योंकि वो बहुत ये स्पीड में नाचाता है 1400 RPM, फाड़ देगा या खींचा जाता है कपड़ा उस समय, तो वो दिक्कत करेगा आपको, इसीलिए अगर चाहते हैं तो नॉर्मली उसी से धोए, ऑटोमेटिक से तो धो सकते हैं, ठीक है। नहीं तो यहाँ से आप कम कर सकते हैं, ये जीरो हो गया, जीरो में आपका क्या करेगा, स्पिन नहीं करेगा, कपड़े को सुखाएगा नहीं, ठीक है। उसके बाद 400 RPM हो गया, थोड़ा स्लो सुखाएगा, मतलब उससे ज़्यादा ऐसे करके आप कम बेस कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर टेम्परेचर दिया गया है, टेम्परेचर आप चेंज कर सकते हैं इसमें, आप चाहते से हीटर नहीं चले, हम यहाँ से कोल्ड पे कर देंगे, ये टंकी से जो पानी आएगा उसी से धोएगा। आप चाहते हैं हीटर चले, इसमें गर्म करे पानी, गर्म करके धोए मेरा कपड़ा, तो आप यहाँ से अपने हिसाब से जितना डिग्री सेल्सियस में सेट करना है उतना सेट कर सकते हैं, नहीं तो ऑटोमेटिक सब में सेट है। इसको आगे पीछे करना है, इधर उधर करना है, तो आप यूज कीजिएगा। उसके बाद में ये आता है ऑप्शन, इसके लिए देता है ये ऑप्शन, ठीक है, और ये इसको सेलेक्ट करने के लिए वाला सेलेक्ट बटन देता है। जैसे हम यहाँ पे ऑप्शन है, ये प्री वॉश होता है, सोक होता है, प्री वॉश क्या होता है हम बता रहे हैं। जैसे इसमें देखिए 3 गो दिया हुआ है, एक होता है ये वाला मेन वॉश, ये वाला जिसमें आप लिक्विड डिटर्जेंट वगैरह डालते हैं, और ये प्री वॉश होता है ये वाला, ठीक है, इसका यूज बता दे रहे हैं क्या होता है। और ये होता है एडिटिव, जिसमें नील वगैरह सॉफ्टनर वगैरह डालते हैं उजाला, वो आपको इसमें डालने हैं। अच्छा, नील इसमें डालना है जी, सर्फ इसमें डालना है, सर्फ नहीं लिक्विड डिटर्जेंट, लिक्विड इसमें डालना है जी, सर्फ किसमें डालना है, सर्फ डालिएगा, इसको निकाल के हम बाहर रख देंगे और अच्छा। इसमें डायरेक्ट डालेंगे, ये स्पेशल लिक्विड के लिए दिया गया। ठीक अब प्री वॉश होता क्या हम बता रहे हैं, साइड वाला क्या था, कॉर्नर वाला, ये प्री वॉश होता है, इसमें कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना नहीं। प्री वॉश होता क्या है, जैसे ये फर्स्ट वेयर वॉश करेगा, जैसे आप कहीं मार्केट वगैरह जा रहे हैं, ठीक है, धूल मिट्टी कपड़े पर पड़ गया है, आप इसमें प्री वॉश लगाइएगा, यहाँ से सेलेक्ट कीजिएगा प्री वॉश, तो ये यहाँ से सेलेक्ट कर दीजिएगा, तो ये क्या करेगा, कपड़े धर रखिएगा, तो आप तो लिक्विड इसमें डालिएगा डिटर्जेंट, ठीक है, लेकिन ये क्या करेगा, पानी इससे लेगा और पानी लेके कपड़े को खंगाल लेगा और खंगाल के पूरा धूल मिट्टी निकाल के फेंक देगा बाहर। पानी जो है पानी इधर से लेगा, हाँ। आप तो इसमें रखेंगे लिक्विड डिटर्जेंट, हाँ, हाँ। लेकिन इससे ना लेकर इससे पानी लेगा, अच्छा, हाँ, ठीक है, हाँ। और इससे पानी ले आएगा अंदर, हाँ। और अंदर ले जाके पूरा धूल मिट्टी खाल के बाहर फेंक देगा, और तब उसके बाद में इससे पानी लेगा और लिक्विड को ले जाएगा अंदर, उसके बाद में वो धोएगा,
ओ अच्छा, धोने के पहले का वॉश है। हाँ, चलिए चलिए ठीक। उसके बाद में आएगा यहाँ पे सोक ऑप्शन। सोक मतलब होता है फुलाना, ठीक है। वो आप फुला सकते हैं यहाँ से, 15 मिनट फुलाना चाहते हैं, 30 मिनट, 1 घंटा, ठीक है। डाल दिए उसमें हम सारा पूरा उस फुला लिया। हाँ, जैसे जैसे हम लोग बाल्टी में जैसे बहुत ज़्यादा गंदा कपड़ा होता है मैला, जिसको हम फुलाते हैं मतलब, तो अच्छा क्वालिटी से साफ होता है बाल्टी में भी। अच्छा, ठीक है। तो उस प्रकार सपोज कि मेरे सिंथेटिक कपड़ा, तो सिंथेटिक को घुमा दिए। हाँ, और उसके बाद हम ये सोक पे हम डाल दिए। हाँ, सर्फ वो अपना ले लेगा, फुला लेगा और अपने आप स्टार्ट कर लेगा ना। हाँ, अपने ऑटोमेटिक स्टार्ट कर लेगा। जैसे हम यहाँ से सोक दबाए 15 मिनट का, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये तो लेगा आपको 2 घंटा, ठीक है। लेकिन 15 मिनट ये एक्स्ट्रा लेगा, ठीक है। क्या करेगा, पानी ले लेगा और कपड़े को ऐसे ही फुला कर रखे रहेगा 15 मिनट तक। जब इसका 15 मिनट ख़त्म हो जाएगा तब ये चलना स्टार्ट, हाँ तब ये चलना स्टार्ट होगा। यहाँ से 1 घंटा फिर हटा देंगे। उसके बाद में आएगा यहाँ पे एक्स्ट्रा रिंस आ रहा है, एक्स्ट्रा खालने के लिए। रिंस मतलब होता है खालने के लिए। ऐसे ऑटोमेटिक सब में 2 बार दिया है गया खालने के लिए, ठीक है। 2 बार दिया रहता है, 1 बार धोएगा, 2 बार खा लेगा और फिर 1 बार सुखा देगा। मतलब तो कोई भी प्रोग्राम सब प्रोग्राम में, हाँ इसमें से सब प्रोग्राम में 2 बार खा लेगा। अच्छा, आप चाहते हैं 2 बार से भी आप सहमत नहीं है, आप चाहते हैं और खा लें तो यहाँ से 1 बार और एक्स्ट्रा खानवा सकते हैं, 2 बार खानवा सकते हैं, 3 बार खा। अगर यहाँ से सेट कर दिए 3 बार, तो 2 बार पहले से करेगा और 3 बार ये वाला कर देगा, 5 बार आपका खान लेगा। उसके बाद में आएगा यहाँ पे रिंस होल्ड। रिंस को होल्ड करने के लिए, रिंस होल्ड क्या होते थे हम बता रहे हैं। अब आएगा यहाँ पर रिंस होल्ड, ठीक है। रिंस होल्ड जब यहाँ से हम सिलेक्ट कर देंगे तो ये क्या करेगा, धोएगा, खा लेगा, लेकिन खाले हुए पानी को ना फेंकेगा ना ही सुखाएगा, उसी में होल्ड करके रखे रहेगा पानी को, ठीक है। ये कब यूज किया जाता है, जब हम मार्केट वगैरह कहीं जाते हैं, मार्केट वगैरह कहीं जाते हैं तो हम 2 घंटा का प्रोग्राम लगा दिए, ठीक है, हम आएंगे 3 घंटा या 3.5 घंटा में, तो ये 1 से 1.5 घंटा पहले सब कुछ करके रेडी रखेगा, सुखा के भी रेडी रखेगा। तो उस समय आइएगा तो दरवाज़ा खुलिएगा तो उस समय कपड़े से स्मेल आता है, ठीक है। ज़्यादा अंदर मतलब ज़्यादा देर तक रह जाता है, गर्मी के कारण स्मेल आने लगता है, तो आप स्मेल वो नहीं चाहते हैं। तो आप रिंस होल्ड करके जाइएगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ ये क्या करेगा, धोएगा, खाल के खाल हुए पानी को फुल वैसे ही डुबो के रखेगा, भिगो के रखेगा कपड़े को, फेंकेगा नहीं उसको, नहीं सुखाएगा। अच्छा, उसके बाद वो कपड़ा है वो, हाँ तो उसी में रखे रहेगा। आप आइए मार्केट से और डायरेक्ट यहाँ से स्पिन ड्राई हम लगाएंगे और स्टार्ट करेंगे, 17 मिनट लेगा, सुखा के आपको दे देगा। तो वो वाला आप रिंस होल्ड वहाँ यूज़ कर सकते हैं मार्केट जाने के। उसके बाद में सबसे ऊपर सेकंड लास्ट दिया गया यहाँ पे टाइम सेवर, ये 2 घंटा 38 मिनट है। आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, थोड़ा कम लेना चाहिए, तो इसको सिलेक्ट हम करेंगे तो ऑटोमेटिक ये कम ले लेगा। 2 घंटा 38 से 1 घंटा 24 मिनट हो गया ऑटोमेटिक, ये अपने टाइम कम किया है, मेरे अनुसार नहीं करेगा। क्या है वो, टाइम कम करने के लिए है। अच्छा, जैसे आपको लग रहा है ऐसे बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, ठीक है, 2 घंटा 38 मिनट, ठीक है। तो आप यहाँ से टाइम सेवर पे जाके धोएगा उतना ही स्पीड में ना, उतना ही अच्छा से धोएगा जो धोता है, नहीं थोड़ा थोड़ा सब में कम कर लेगा। अच्छा, जैसे 20 मिनट इसमें, हाँ जैसे 20 मिनट इसमें धो रहा है, तो हम यहाँ से टाइम सेवर कर दिए तो ये 15 ही मिनट धोएगा, 5 मिनट काट लेगा वो, ठीक है उस टाइप का। और सबसे लास्ट दिया गया है डिले स्टार्ट, मशीन को देरी से स्टार्ट करने के लिए 30 मिनट, 1 घंटा, ये 24 घंटा तक जाएगा। जैसे मान लीजिए हम 2 घंटा अभी यहाँ पे लगा दिए, ठीक है, ये वाला हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तभी मान लीजिए 4 बज रहा है तो शाम को 6 बजे स्टार्ट होगा, 2 घंटा लेट से स्टार्ट होगा। डिले स्टार्ट, हाँ मशीन को देरी से स्टार्ट करने देरी करेगा। हाँ जी, कैसे स्टार्ट, उसको क्लिक कर दिए तो टाइमिंग क्या, कैसे चेंज करें। जैसे हम देखिए हम यहाँ पे लाए, हाँ हम इसको सेलेक्ट किए, हाँ 2.5 घंटा हुआ, 3 घंटा, इसमें दाते जाएंगे ना, जितना देर का टाइमिंग डिले टाइम लगाना है उतना आप लगा दीजिएगा, ठीक है। 12 मिनट हुआ, 15, ये 24 घंटा तक जाएगा, 24 घंटा चल रहा है जी। ओ अच्छा, अब यहाँ पे आया 30 मिनट, फिर इसको दबाएंगे तो 1 घंटा, 1 घंटा 30 मिनट, 2 घंटा, ऐसे होगा, ठीक है। हाँ मतलब कपड़ा पूरा रख दिए सब कुछ अपना स्टार्ट कर लेगा, 2 घंटे बाद स्टार्ट कर लेगा अपना, है ना। हाँ तो आपका मल्टी सिलेक्शन कुछ है इसमें, मल्टी सिलेक्शन मतलब क्योंकि आप जो सेलेक्ट कर रहे हैं एक एक करके सेट कर रहे हैं। हाँ हम चाह रहे हैं दो तीन चीज सेलेक्ट करने। हाँ तो वो भी कर सकते हैं, जैसे हम देखिए हम यहाँ पे हम प्री वॉश भी सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। हाँ उसके बाद में सोक भी सिलेक्ट कर लेंगे, सब सेलेक्ट कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, सब आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसको डिसलेक्ट करना हो फिर हम लाएंगे जिस पे सेलेक्ट किए प्री वॉश पे, फिर इसको एक बार दबाएंगे डिसलेक्ट हो जाएगा। हम सोक सेलेक्ट किए थे
30 मिनट एक घंटा फिर डिसलेक्ट ऑप्शन और सेलेक्ट करके इसको ये कर सकते हैं। तो आपका टोटल ऑटोमेटिक प्रोग्राम इतना ही दिया गया है, इसमें और कुछ समझना है आपको? हो गया, सब बता दिए ना।